नमस्कार दोस्तों। तो पिछले दिन ARM की तरफ से नया जनरेशन का CPU कोर, ग्राफिक्स कार्ड कोर ये लॉन्च हो चुका है। तो ऑब्वियसली इस वीडियो में आपको उस चीज के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा और ये भी मैं आपको बताऊंगा इस साल से मतलब 2023 साल से जो भी ARM बेस्ड प्रोसेसर लॉन्च होगा उसका जनरल कौन सा कॉन्फिगुरेशन होगा, क्या CPU के मामले में हमें सच में इस बार 14 कोर वाला CPU कोर मिलेगा या फिर नहीं, या फिर डायमेंसिटी 9300 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज मालूम चला है, ये सब कुछ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेटो चैनल पे नए हैं और ऐसी CPU रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेटो चैनल को सबसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे एक्चुअली क्या का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। पहला तो एक CPU के अंदर जो प्राइम कोर है जो कि Cortex X4 कोर, उसके साथ एक Cortex A720 कोर, उसके साथ एक Cortex A520 कोर। ये CPU के अंदर जो तीन टाइप का कोर होता है उसका नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च हुआ है। उसके साथ दो टाइप का जो ग्राफिक्स कार्ड, एक तो आपका इमोर्टली सीरीज का जो कि इमोर्टली 720 और उसके साथ माली G720 और माली G620, ये टोटल तीन टाइप का ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च हुआ है। और उसके साथ DSU 120 ये भी लॉन्च हुआ है। अभी इसका क्या फंक्शन है वो मैं बाद में जरूर बताऊंगा, लेकिन ये एक्चुअली इस पूरे लॉन्च का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले तो हम बात करेंगे Cortex X4 के बारे में। ये जो कोर ये लास्ट पर के एडिशन मतलब X3 के मुकाबले एग्जैक्टली 15% बेटर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा और उसके साथ 40% बेटर पावर एफिशिएंसी आपको प्रोवाइड करेगा X3 के मुकाबले। और अगर हम इसके परफॉर्मेंस को X2 के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको एग्जैक्टली 25% बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा कंपेयर टू Cortex X4। और कहा जा रहा है कि इस Cortex X4 कोर की मदद से इस बार का जो CPU उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो सकता है 3.4 गीगाहर्ट्ज के आसपास। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो परफॉर्मेंस इसका कोर मतलब जिसे हम कहते हैं Cortex A720 कोर, वो एक्चुअली A715 का अपग्रेडेड वर्जन है और A715 के मुकाबले आपको एग्जैक्टली 20% बेटर पावर सेविंग प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसके साथ आपको प्रोबेबली कोई भी परफॉर्मेंस बूस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो बैटरी एफिशिएंसी कोर यहां पे जिसका नाम है Cortex A520। ये जो कोर ए 510 का अपग्रेडेड वर्जन है और उस लास्ट पर के जनरेशन के मुकाबले आपको एग्जैक्टली 22% बेटर बैटरी सेविंग प्रोवाइड करेगा। अभी ये जो CPU कोर ए भी लास्ट पर के मुकाबले आपको कोई भी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन बैटरी सेविंग में मेजर इंप्रूवमेंट प्रोवाइड करेगा। अभी इस लॉन्च का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है DSU, जिसका फुल फॉर्म है डायनामिक शेयर्ड यूनिट, तो DSU 120 ये जो चीज लॉन्च हुआ है, ये जो सिस्टम जो फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर आने वाला है उसके साथ ही इंटीग्रेटेड रहेगा। अभी इसके मदद से मोबाइल वर्ल्ड में हमें बहुत ही जल्द 14 कोर वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले जो था जो कि DSU 110 उसके मदद से 14 कोर तक पॉसिबल नहीं था, लेकिन अभी 14 कोर वाला मोबाइल CPU आसानी से पॉसिबल हो सकता है। अभी आप सोचेंगे कि इसके वजह से शायद पावर यूसेज बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि हमने देख लिया है इस बार का जो सभी के सभी जो CPU कोर उसका मेन फोकस है बैटरी सेविंग के ऊपर, तो इसीलिए अगर एक CPU में आज के दिन में 8 कोर से ज्यादा इस्तेमाल होता है तो भी बैटरी यूसेज में ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। और इसके साथ एक और इंप्रूवमेंट मिलेगा कि इस बार जो L3 वाला कैश उसके अंदर आपको मैक्सिमम 32 MB तक का स्टोरेज आपको मिलेगा, मतलब 32 MB तक का कैश मेमोरी आपको मिलेगा। तो ये तो हो गया जो भी CPU को लॉन्च हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि 2023 साल से जो भी फ्लैगशिप लेवल या फिर मिड रेंज लेवल जो भी प्रोसेसर लॉन्च होगा उसका कॉन्फिगुरेशन क्या होगा। तो जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं अब तक जो भी प्रोसेसर लॉन्च हुआ है उसमें आपको जनरली 1+3+4 या फिर 1+4+3 ये वाला कॉन्फिगुरेशन आपको मिल रहा है, लेकिन जैसे ही नया वाला ARM का जो इंस्ट्रक्शन जो कि वर्जन 9.2 उसी इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद से ज्यादातर जो प्रोसेसर वो लॉन्च होगा 1+5+2 ये वाले स्ट्रक्चर पे। और हाँ, इसके साथ एक और चीज, ये जो नया वाला जो CPU लॉन्च हुआ है इसके साथ मार्केट में जो भी 32 वाला ऐप अवेलेबल है उसका यूसेज अभी पूरा बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो नया वाला CPU कोर सिर्फ और सिर्फ 64 वाले जो भी स्ट्रक्चर है उसे सपोर्ट करेगा, कोई भी 32 बिट वाले जो भी स्ट्रक्चर है उसे सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसके बाद हम बात करेंगे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। तो तीन टाइप का ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च हुआ है, एक का नाम है इमोर्टली G720 जिसमें मैक्सिमम 10 कोर तक इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद माली G720 जिसमें 6-9 कोर तक कॉन्फिगुरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसके बाद माली G620 जिसमें हम मैक्सिमम 5 कोर तक कॉन्फिगुरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं सभी ग्राफिक्स कार्ड का कुछ कॉमन चीजों के बारे में बात करें तो इस बार के जो ग्राफिक्स कार्ड इसका मेन फोकस है कम बैंडविड्थ इस्तेमाल पर। इसका मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई गेम खेल रहे, आपने रिसेंट टाइम में देखा होगा कि जो
जो ग्राफिक्स कार्ड वो खामों का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो ग्राफिक्स कार्ड के यूसेज को थोड़ा सा कम किया जाए जिससे कि फोन का जो ओवरऑल पावर से वो और भी इंक्रीज हो जाए, लेकिन काम पहले से बेटर होगा इस चीज को बस ज्यादा काम किया जा रहा है। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, कोई काम करने के लिए पहले जितना मेमोरी बैंडविड्थ इस्तेमाल हो रहा था उससे इस बार 40% लेस बैंडविड्थ यूसेज होगा। उसके साथ सेम काम करने के लिए इस बार आपको 15% ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा पर वाट, और उसके साथ दुगना बेटर क्वालिटी का HDR रेंडरिंग क्वालिटी आपको मिलेगा। तो यही था इस बार जो भी CPU कोर ग्राफिक्स कार्ड को जो भी लॉन्च हुआ है उसका सारा इन्फॉर्मेशन। तो इस बार मैं ये चीज देख रहा कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस गेन करने के बजाय मैक्सिमम कितना पावर सेविंग हो सके, ये भी कम मेमोरी इस्तेमाल करके कितना ज्यादा परफॉर्मेंस निकल सकते इसके ऊपर ज्यादा काम किया जा रहा है। मतलब बैटरी सेविंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस बार के अपडेट पे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज Dimensity 9300, इसके बारे में अभी अभी एक नया इन्फॉर्मेशन मिला है। जैसे कि हमने देख लिया कि जो Cortex X4 कोर उसका मेन चीज क्या है, पिछले बार के मुकाबले 15% ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा लेकिन 40% बेटर पावर एफिशिएंसी आपको मिलेगा। और ये चीज आपको मालूम होगा कि 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, मतलब जो पावर सेविंग और भी बेटर होगा। तो मतलब पहले जैसे एक सीपीयू के अंदर मैक्सिमम एक Cortex X1 मतलब एक सीरीज का कोर या फिर मैक्सिमम दो Cortex एक सीरीज का कोर इस्तेमाल किया जा रहा था, तो कहा जा रही कि जो Dimensity 9300 probably इंडस्ट्री का पहला प्रोसेसर होगा जिसमें आपको 4 Cortex X4 कोर और उसके साथ 4 Cortex 720 कोर होगा, कोई 520 कोर वो अवेलेबल नहीं होगा। मतलब जैसे मिड रेंज प्रोसेसर में होता है 4 Cortex 78 कोर और 4A75 कोर, एग्जैक्टली सेम हायर रेंज पे होगा 4 Cortex X4 कोर और 4A720 कोर। और जैसे कि इस बार का जो Cortex X4 कोर उसका मेन हाईलाइट किया है बेटर पावर सेविंग, या फिर जो Cortex A720 उसका मेन हाईलाइट किया है बेटर पावर सेविंग। इसलिए कहा जा रहा है कि पिछले वाले जनरेशन के मुकाबले परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट दुगना होगा लेकिन बैटरी सेविंग उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो आप मुझे जो जरूर बताना कि Dimensity 9300 अगर सच में 4 Cortex X4 सीरीज के साथ अगर लॉन्च होता है तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार के जो प्रोसेसर एप्पल का जो सबसे पावरफुल प्रोसेसर मतलब जो A16 क्या उसे बीट कर पाएगा या फिर नहीं, इसके बारे में मुझे जो क्वेश्चन है बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।